हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मिसिसागा वैली पार्क ने मुझे कितना एक बेशकीमती उपहार दिया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो इसका वर्णन और मेरे इस डायरी के पन्ने में इसको सहेज के रखना तो बिल्कुल बनता है। क्या कहते हैं आप लोग? हो सकता है टोरंटो जाने के बाद कभी ये डायरी का पन्ना खुले और ये उपहार मुझे नजर आए तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी ये सोच के कि इस साल के फॉल का पहला पत्ता मेरे पास है, है ना? तो इसी फीलिंग के साथ शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके इसलिए भी है क्योंकि देखिए, फॉल का पहला उपहार मुझे प्रकृति ने दिया, वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। और आज का व्लॉग जो शुरू करेगी वो करेगी मेरी बेटी महक। क्यों, किस लिए, देखते हैं। तो चलिए, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। Last week, my mom, she like had a hectic week because of the twins, like this. But the time, weather, and the person are different. अगर आपने महक का कोविड इंजेक्शन फर्स्ट डोज वाला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि उसका जो सेकेंड डोज का टाइम था, अपॉइंटमेंट था, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मिला था। बट सिंस अभी इंजेक्शन वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो अभी क्या है, नियम निकाल दिया है कि आप अपने फर्स्ट डोज के एक महीने के अंदर अंदर दूसरा डोज भी ले सकते हैं। तो यार मजुमदार ने अप्लाई किया और सेम वेन्यू में उसको फिर से डे मिल गया आज का अपॉइंटमेंट। सेम प्लेस but the time, weather, and the person are different. So yes, I've come to take my second dose of COVID vaccine and then I'll be fully vaccinated. So today I'm here with my dad. It's currently 8 o'clock and my appointment is also at 8 o'clock in a few minutes. So we'll be doing our check-in now. And so my dad came here because last week my mom, she like had a hectic week because of the twins, like their fever and stuff. So my dad said that why not I take Mahak to the place for, to get her jab. And so mom's like, okay, fine. And then he'll go to his office after dropping me home. So yes, let's get that. And I am super confident this time because last time I was like wincing, but this time I'll be. तो याद है ना आपको, हम माँ बेटी आए थे पिछले उसके फर्स्ट डोज के लिए, कितनी तेज बारिश हो रही थी और थंडरिंग और महक डर रही थी और मैं उसको और हंसा रही थी। तो इस तरीके से अभी महक आगे निकल पड़ी है अपने जहाँ पे उसका यहाँ पे पूछताछ होगा, उसको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछेंगे। बट यू नो, आई एम क्वाइट हैप्पी सीइंग हर हाउ कॉन्फिडेंटली शी वॉज टॉकिंग, क्योंकि बेसिकली लाइक यार मजुमदार, शी इज़ वेरी कैमरा शाई पर्सन। सो गुड गोइंग महक, like super like for you, very nicely you opened my vlog today, thank you। तो चलिए अभी वेट करते हैं, मुझे लगता है उसको अभी वेट करने बोला है, उसके से इंफॉर्मेशन वगैरह बेसिक ले ली हैं एंड अभी लगता है उसको इंजेक्शन लगेगा। एंड येस, नाउ माई ब्रेव लियो, शी इज़ अ लियो, यू नो उसका स्टार साइन लियो है, तो माई ब्रेव लायनेस हैज टेकन हर वैक्सीनेशन। कुछ कुछ बोल भी रही है। या महक, सो पोस्ट 15 मिनट्स वेट के बाद उसको सर्टिफिकेट इस तरह से मिल गया। सो आई गॉट माय कोविड-19 वैक्सीन। सी, सो मेनी पीपल हैव आल्सो गेट इट हियर, राइट? एंड देन देयर इज लाइक अ बोर्ड ओवर देयर, आई थिंक पीपल हैव सीन इट लास्ट टाइम। देख लीजिए महक को, बच्चों की तरह खुश है, किसलिए उसको दो दो स्टिकर्स मिल गए बताइए। हियर यू कैन टेक सेल्फी, एंड देन आई कैन गो विदाउट अ मास्क। अब सेल्फी रानी की सेल्फी पोजेस होंगी कुछ। They told me that it's very common that for the second dose you get a fever, chills, and headache and body pain. So you can like have ice packs for the sore arm or Tylenol. And they were all good today. It was like very empty, and see, it's like the weather is also like so good today. It's not raining, but last time when I came with my mom, it was like thundering and raining. So today everything looks so good so far. And yes, I'm double vaxxed. Yeah. और इस तरीके से मेरी डबल जैब्ड रानी बिटिया और उसके पापा वापस आ रहे हैं। यार मजुमदार जैसे ही उबर में चढ़े थे उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था, बिकॉज अभी वो आकर ही फटाफट नाश्ता करके वो ऑफिस निकल जाएंगे। तो मैं अभी बस अब नाश्ता रेडी करने लगी हूँ। So, double vaccinated. Yeah, that's why I got 2 stickers. Yeah. Whoa, it's ready. Yeah, you were just in.
तुम्हारे तो काम खत्म नहीं होता है मम्मा, लाइक वी एंटर्ड एंड खाना था। महक ने सच ही कहा, वी एंटर्ड एंड खाना था डैडी। Keep your mat, enroll is ready, and boys double vaccinated. Good morning. Good morning. So ask Bob, Bob, where is your injection? I got two stickers for you guys. Boy is double vaccinated now. And abhi iski farmaishe shuru ho gayi hai. Yeah, so since I am double vaccinated, I want Papa to make that yummy butter garlic chicken for me today. आज यार मजूमदार ऑफिस से आकर इसको बना के देंगे तो वो भी मैं रिकॉर्ड ले लूंगी। बहुत ही इजी पीजी चिकन है बट बहुत यमी लगता है। तो महक ने लगता है कोई किला फतेह कर लिया है, किस तरह से फरमाइशें दे रही है। जाने से पहले मुझे बोलती कि एग रोल बना के रखना, तो भैया आई है तो एग रोल भी हाजिर है। वैसे ये किला फतेह करने वाली बात है बिकॉज कोरोना में ये चीजें इस टाइम पे ये चीजें मतलब करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग भी ड्यू हैं फॉर योर वैक्सीनेशंस, प्लीज वैक्सीनेशंस लीजिए। सो इस तरह से इन लोगों को रोल करके दे दिया, ये लोग भी खाने लगे और मैं अपने कॉफ़ी बनाने लगी। तब तक देखा ये लोग हम लोग बचपन में खेलते थे ना ऐसे ताली मार मार कर, तो वो खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी खेलूंगी, रुको तुम लोगों के साथ। आप लोग क्या क्या बोल के ऐसे ताली मार के बचपन में खेलते थे, मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा। तो हर दिन ऐसे हो शुरू हर बल ऐसे नेस्कैफे। सो वी यूज्ड टू डू दिस अदर, आओ मिलो सीलो सालो। बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। Isn't that like a rhyme also? Yeah. आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धा विद बा अनदर हैंड। अभी एक और हाथ कहीं से मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, रेस लगा लो, रेस लगा लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो। तो जब तक ये लोग आओ मिलो सीलो सालो पे प्रैक्टिस कर ले और एग रोल खत्म कर ले, आप लोग देख लीजिए यमी बटर गार्लिक चिकन की वेरी इजी रेसिपी बट वेरी टेस्टी। ये वाली ना आप रेसिपी अपने पिज्जा के टॉपिंग पे दे सकते हैं, फिर फ्रैंकी रोल्स बना सकते हैं या फिर ऐसे ही स्नैक्स में खा सकते हैं। इट्स जस्ट यमी। तो इसके लिए चाहिए आपको मेनली पेपर, पेपर ना आप लोग फ्रेश कूट लीजिएगा इस तरीके से, पाउडर्ड पेपर मत लीजिएगा, थोड़ा दरदरा कूटिएगा, ये इसका टेस्ट जो है ना और एनहांस करता है। इस तरीके से पेपर कूट लीजिएगा और ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए, बच्चे भी खाएंगे तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, पेपर भी कम कर सकते हैं। जैसे मैं ट्विंस का अलग से फ्राई करके रख लेती हूँ, तो ये हम लोगों के लिए ये कच्चा मिर्च और पेपर है। और याद है ना हाउ टू ग्रो हर्ब्स वाला मेरा व्लॉग जिसमें मैंने गार्लिक बोया था, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरह से इसमें जो है लहसुन का साग यूज होगा। अगर आपके पास ये लहसुन फ्रेश का ये नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये अगर रहता है तो इसको ज़रूर डालिएगा। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे थे कि माला हमने भी बोया है तो वो लहसुन निकला है क्या करें, तो आप ये वाला रेसिपी बनाइएगा। और ये सेंस इट इज़ अ बटर गार्लिक चिकन तो इसमें फ्रेश गार्लिक इज मस्ट। इसमें प्लीज पिसा हुआ गार्लिक मत दीजिएगा, इस तरह से एकदम महीन चॉप कर लीजिएगा। एंड यू नो आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय यार मजूमदार कटिंग एंड चॉपिंग गार्लिक्स। और चिकन को ब्रेस्ट पीस लेकर जैसे मैंने पतला बीच में से स्लिट करना सिखाया था, आप वैसे करके ही करेंगे। जितना पतला और छोटे छोटे इसके पीसेस होंगे उतना ही जूसी और ये टेंडर और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे आप लोगों को सिखाया है ना मैंने ब्रेस्ट पीस काटना, बिल्कुल वैसे ही काटिएगा। और अगर जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं फिर से उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस ब्लॉग का। तो इस तरह से छोटे पीस कर लीजिएगा और फिर इसके मैरिनेशन में आपने देना है 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। जी हाँ मैदा मत यूज़ करिएगा, कॉर्नफ्लावर लीजिएगा। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा जो है 1.5 चम्मच जितना यूज़ करिएगा कम। तो इस तरह से नमक और पेपर और कॉर्नफ्लावर
ये तीनों चीज मिला के आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए। ये इसका बेसिक जो है मैरिनेशन हो गया। साथ में हमने क्या किया, चिली और गार्लिक जो है कूट लिया, कूट लिया या क्रश, छोटा छोटा बारीक काट लीजिए, काट लिया। अब पैन में तेल डालिए और तेल डाल के ये पीसेस को एक एक करके जितना आपका पैन के साइज के हिसाब से इनको आपने शैलो फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई करने से भी होगा। थोड़ा सा लो मीडियम आंच में करिएगा और सिंस इट्स अ ब्रेस्ट पीस एंड वेल मैरिनेटेड, इट इज कुक बिटवीन 5 to 8 minutes, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से जब ये पीसेस आपके फ्राई कुक हो जाएंगे, इनको आप बोल में बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। और यही आपका ना आप पिज़्ज़ा टॉपिंग में भी दे सकते हैं, ये चिकन के पीसेस बहुत अच्छा लगता है। अब उसी पैन में तेल हटाकर अब थोड़ा सा बटर दीजिए, सिंस इट्स अ बटर गार्लिक चिकन, और उसमें डाल दीजिए जो आपने चॉप किए हुए गार्लिक थे और ये गार्लिक का साग जिनके पास नहीं है वो अवॉइड कर सकते हैं। और डाला हम लोगों ने ग्रीन चिली, और इसको थोड़ा सॉटे करने के बाद जो फ्राइड चिकन पीसेस थे जिसको हमने मैरिनेट किया था कॉर्नफ्लावर पेपर और नमक में, वो वाले फ्राइड पीसेस डाल के इसको आप कम आंच पे और थोड़ा सा नमक डाल के आप फ्राई करिए, ठीक है। जब ये थोड़ा सॉटे हो जाएगा इसमें आपने डालना है 2 tablespoons या 1 tablespoon जितना सोया सॉस। सिंस आप सोया सॉस दे रहे हैं तो नमक की मात्रा कम रखिएगा। और हो गया आपका एकदम यमी इजी पीजी बटर गार्लिक चिकन। देखिए अभी 2 piece चिकन है, इसको लेते लेते महक की फिर से फरमाइश आ गई, मम्मा इसको फिर से बनाने बोलना ना पापा को। तो ये चिकन है ही इतना यमी, आप भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे मालूम है आपके बच्चे भी यही बोलेंगे कि फिर से एक बार बनाओ मम्मा। तो चलिए आपके फीडबैक के इंतज़ार में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चिकन आपको कैसा लगा। और देखिए इनका आओ मिलो सीलो सालो अभी भी कंटिन्यू, सुबह सुबह ही बहुत सारा काम भी हो गया, बच्चे लोग अभी एग रोल अपना खाएंगे, मैं अपना कुछ कुछ अभी देखती हूँ, एक दो DIY की भी चीज़ें आ गई हैं। तो मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सब लोग डबल वैक्सीनेटेड है, नो टेंशन नो वरीज। नाउ इंडिया कब आएंगे देखते हैं, आने की बारी आ गई है। मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो महक रानी के लिए दे दीजिए लाइक, शेयर करते रहिए, और जो लोग हम लोगों को ऐसे ही व्यू कर रहे हैं आ जाइए इस फैमिली में। तब तक फीडबैक के इंतजार में जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 लव एंड लाइट विद माला। थैंक्स फॉर वॉचिंग मामा चैनल।